हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के बेसिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉलिटी शब्द का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पॉलिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से बच्चे इसको पॉलिटिक्स से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम पॉलिटी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटी वर्ड्स एक्चुअली डील्स विद द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पावर, इट्स फंक्शन एंड लिमिटेशंस। जी हाँ, तो हमारे पास, आपने देखा होगा, कुछ कंट्रीज में हमारे पास क्या है, मोनार्की है। कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। तो ये जो कंट्री में डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, इन सब गवर्नमेंट्स की अपनी कुछ पावर है, कुछ फंक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है। और ये सब कहाँ पर निर्धारित किया गया है, कहाँ पर बताया गया है? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। जी हाँ, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको पता चलेगा कि वहां पर मोनार्की है, डेमोक्रेसी है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यानी कि अगर आप किसी कंट्री के पॉलिटी को समझना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इसीलिए हमारा जो अब टारगेट रहेगा, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर और बेसिक्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में है क्या। देखिए, हर घर में, चाहे आप अपना घर ले लीजिए, कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपने कुछ काम करने हैं, कुछ नहीं करने। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है आपके घर घर के लेवल पर भी हैं। फिर आप अगर किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो उस कॉलोनी के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। फिर आपके एरिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। इस तरह से हम डेली लाइफ में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इन रूल्स रेगुलेशंस में सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिडर किए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट सेट अप द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। कि हमारे पास एक सरकार जो है वो किस प्रकार से काम करेगी, ये कहाँ पर बताया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाएगा। और सरकार चलाने के लिए हमें बहुत सारे संस्थानों की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। और इनका सरकार के साथ क्या रिलेशन होगा ये भी हमारा संविधान ही डिसाइड करेगा। तो बेसिकली अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, उसके तीन मेन पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो उनकी जो पावर है और उनका गवर्नमेंट के साथ जो तालमेल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन किया गया है। जैसे मैं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जी, आपने सही सुना, लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस शब्द में गौर करने वाली बात क्या है? मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, मैंने सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्या कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है? तो बहुत जल्द ही आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को और समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है रूल्स एंड रेगुलेशन दैट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी हु लिव टुगेदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार को चलाने के लिए कई सारे संस्थान साथ में काम करते हैं, तो उनके आपस में जो तालमेल होगा, उसका जो फ्रेमवर्क होगा, वो भी संविधान के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक कि सरकार की स्थापना किस प्रकार से होगी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो हमारे पास फंक्शंस है, उनकी पावर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डीमार्क करता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होती हैं, अगर आपको ये शब्द नहीं मालूम तो इनको भी हम अभी समझेंगे। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडियन सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करते थे, कि उनके पास राइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास कुछ अधिकार नहीं थे। तो ये जो अधिकार हैं हमारे पास, जब इन अधिकारों की मैं बात करता हूं तो ये जो अधिकार हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, आज की डेट में हमें हमारे संविधान के द्वारा ही ये अधिकार जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो अब मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। जी हाँ, हमारे पास एक टर्म यूज की जाती है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने सुना है, जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करता है। ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइए इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप
सही सुन रहे हैं, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली किन फीचर्स के बेसिस पर आप किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में फॉल कराओगे, मतलब कि आप किस बेसिस पे किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकते हो कि वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनते हैं। आइए उन क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया यहां पर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोडिफाइड नहीं होता। अब जैसे यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए स्टूडेंट्स, यूके जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सौ सालों में जाकर बना, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या है कि प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पार्ट अलग है, पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, और वो सीक्वेंस में हमारे पास चल रहा है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात जो होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये काफी लंबे अवधि में जाकर बना होता है। जैसे मैं अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूके कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करूं तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कई सौ सालों में जाकर बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपको पता होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई लंबे समय अवधि में नहीं बना। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात हमने देखी कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है, एक लंबी अवधि में बना है, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट जो है वो टॉप लेवल पर होती है और पार्लियामेंट ही सारे मेजर डिसीजन लेती है, जबकि जुडिशरी की लिमिटेड पावर कंसिडर की जाती है। जब भी हम बात करते हैं जुडिशरी गॉट द लिमिटेड पावर इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर ऑल दिस विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करता है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो प्रॉपरली कोडिफाइड है, प्रॉपरली कंपाइल्ड है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको एक प्रॉपर डेट से हमारे पास लागू किया गया है, जी हाँ, एक प्रॉपर डेट है जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कमेंसमेंट डेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूं तो 26th of January 1950 जो है वो कमेंसमेंट डेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 26th of January 1950 कमेंसमेंट डेट है, इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। तो एक जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका ये भी फीचर होता है कि उसकी एक प्रॉपर डेट होती है जिससे वो लागू हुआ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस डेट से लागू हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर रिटन होगा तो वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम होगा। मतलब अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो जब मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज करता हूं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पार्लियामेंट शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब मैं पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल करता हूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में पार्लियामेंट का क्या मतलब है, तो इंडिया में यहां पर याद रखिएगा कि इंडिया में पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। यहां पर यह चीज याद रखनी है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट। तो यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चे क्या याद रखनी है कि पार्लियामेंट हमारे पास जो है वो सुप्रीम नहीं है, इंडियन इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंसिडर किया जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर याद रखनी है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम बनने की कोशिश करे तो उसको कौन रोकेगा, तो यहां पर जुडिशरी जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जुडिशरी के पास अच्छी खासी पावर होती है और उसका ये एक हमारे पास काम भी रहता है, ये इंश्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी जो है वो बनी रहे। जी हाँ, जुडिशरी का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है वो बरकरार रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। कई बार पेपर में ये सवाल भी बच्चे पूछा गया है, बेसिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि जब हम पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं या तो वो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के, तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का पार्ट है, तो आंसर है यस। क्या होम मिनिस्टर पार्लियामेंट का पार्ट है, आंसर है यस। जितने भी मिनिस्टर हैं वो या तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो सभी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का पार्ट होंगे, आंसर है यस। प्रेसिडेंट क्या पार्लियामेंट का पार्ट होंगे, आंसर है यस। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये तो आपको सबको पता ही होगा,
कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इसी को आज की डेट में हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात बच्चे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जब मैं बात करता हूं तो यहां पर जुडिशरी आती है, ओके, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है और हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट की जगह कई जगह आपको लेजिस्लेचर शब्द जो है वो इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। लेजिस्लेचर हमारे पास वो लोग होते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं, जिनका काम होता है लॉ मेकिंग। अब आपको पता होगा कि भारत में कोई भी कानून बनाना है तो आपको दोनों हाउसेस से बिल पास कराना पड़ेगा, लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो कानून जो है वो हमारे पास बन जाएगा, नया कानून बन जाएगा, ठीक है। बिल के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है और बाद में वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप समझिए यहां पर कि कोई कानून अगर बन गया उसको लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? एग्जीक्यूटिव की रहेगी। अब एग्जीक्यूटिव की जब मैं बात करता हूं, एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारे सारे मिनिस्टर्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्टर्स केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और एक होते हैं हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारे पास कौन आएंगे? जितने भी हमारे पास याद रखिएगा ब्यूरोक्रेट्स है, सिविल सर्वेंट्स है, ओके, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उनका काम भी हमारे पास कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में हमारे पास कौन आएंगे? जो मिनिस्टर्स हैं जो 5 साल के लिए चुने गए हैं, ओके, और हमारे पास परमानेंट में कौन आएंगे? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि हमारे पास जजमेंट देना, लॉ को बेसिकली मैनेज रखना, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से देश में चलाए रखना, ये हमारा जुडिशरी काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तीन ऑर्गन होते हैं हमारे पास सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आई गेस आप बेसिक बेसिक जो इनके बारे में है वो चीजें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेजिस्लेचर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर आएगा और कई जगह ये यूनिकैमरल होता है, सिंगल हाउस होता है, कुछ जगह बायकैमरल होता है। इंडिया के केस में इट्स बायकैमरल, हमारे यहाँ दो हाउसेज हैं, आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, हमारे यहाँ दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, कुछ कंट्रीज में सिंगल हाउस भी होता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आपको याद रखना है वो लोग जो कानून को लागू करते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको देखने को मिल रहा है, हेड ऑफ द स्टेट। भारत के केस में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के केस में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे पेपर में सवाल पूछ लिया जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो याद रखेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर आपको याद रखना है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो डू रिमेंबर, हेड ऑफ द स्टेट फॉर द केस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। कुछ कंट्रीज में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट सेम होते हैं, जैसे यूएस, यूएस में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, लेकिन फॉर केस ऑफ इंडिया ये चीजें आपने याद रखनी है, ओके। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वो प्रेसिडेंट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। जुडिशरी की बात करें तो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, जो दिल्ली से हमारे पास ऑपरेट करती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे भारत पे फाइनल डिसीजन होता है। फाइनल हमारे पास उसका जो डिसीजन है वो कंसिडर किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री। तो आई गेस ये चीज भी आप समझ गए होंगे। फिर अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है हमारे पास, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहली बात तो डेमोक्रेसी शब्द का मतलब क्या है, जहां पर जनता की चुनी हुई सरकार काम करती है। अब डेमोक्रेसी दो तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो कि गलत है। फॉर द केस ऑफ इंडिया इट्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, पहली बात तो पहला क्वेश्चन हमें यहां मिल गया कि इंडिया में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, दैट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। सो इन इंडिया देयर इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है कि हमारे पास, हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको चुनते हैं लोकसभा के अंदर, और वो लोग जो हैं वो देश के लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो वो हमारे एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और नियम और कानून बनाते हैं।
जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी यही होता है, लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है, लेकिन जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो वहां पर लोगों का डिसीजन भी मायने रखता है, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों से ज्यादा पूछा नहीं जाता कि पॉलिसी बनाते समय कि उनकी क्या, उनके क्या विचार है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने अगर सुना हो कि ब्रेक्सिट के बारे में, अगर आपने कभी ब्रेक्सिट के बारे में सुना हो तो ये ब्रेक्सिट क्या था कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। ब्रेक्सिट क्या था? ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। तो ये यूरोपियन यूनियन क्या है? एक ग्रुप है। इस ग्रुप में रहने के कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया था, लेकिन इस एग्जिट को करने से पहले, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने से पहले, वहां के पार्लियामेंट ने लोगों से रेफरेंडम कराया, लोगों से उनकी राय जानी गई, लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहते हैं, तब ब्रेक्सिट पॉसिबल हुआ। लेकिन भारत में अगर कोई पॉलिसी बनानी होगी तो लोगों से इस प्रकार की वोटिंग नहीं कराई जाती। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मुझे क्या पता चला, सॉरी, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि अगर मैं प्रॉपरली देखूं तो यूके में हमारे पास डायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडिया में हमारे पास इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन फॉर द केस ऑफ इंडिया, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पर ऐसा कुछ पॉसिबल कराना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया के केस में आपने याद रखना है देयर इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन भी मिल गया कि किस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, किस कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके, नेक्स्ट, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे पास स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलती है, वो क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो इसको भी समझते हैं। तो यूएसए में हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पे याद रखिएगा कि इन केस ऑफ यूएसए देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में हमारे पास जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो प्रेसिडेंट जो है, यहां पर आप देखेंगे यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या भारत में आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हो? नो, आप क्या करते हो, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के एमपीस को जिताते हो। जैसे यहां पर क्या है कि अभी जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको पता होगा कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आपको पता है कि मोदी साहब जो है इस समय प्रधानमंत्री है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? आपने बीजेपी के ज्यादातर एमपीस को भारत में, हाँ जी, जितवाया। तो उन एमपीज ने अपना लीडर किसको चुना? मोदी साहब को, और अल्टीमेटली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे पास उस पार्टी के लीडर होते हैं जिसको मेजोरिटी मिली है, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, आप उनको डायरेक्टली वोट, और आप वोट करना चाहे नहीं करना चाहे वो आपके ऊपर है, और इस तरह से आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यहां पर प्रेसिडेंट जनरली सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम कंसीडर किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर होती है, एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एब्सेंस सेपरेशन पावर सेंट्रलाइजेशन। यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, यहां पर ओवरलैपिंग फंक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। सारी की सारी जो पावर्स हैं, दे आर वेस्टेड विद प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है बस वो नाम का हेड है, लेकिन जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अगर आपके दादाजी हैं तो नो डाउट वो घर के मुखिया हैं, लेकिन अब एक्चुअली में वो रिटायर हो चुके हैं, तो सारे डिसीजन, मेन जो घर के डिसीजन है वो आपके फादर लेते हैं। तो उसी तरह से जो पावर है वो आपके फादर के पास है। तो लाइकवाइज यहाँ पर आप अगर आप कंपैरिजन करें तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यहाँ पर इंडिविजुअल लीडरशिप होती है, सिंगल पर्सन सभी चीजों को हैंडल करते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं। यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप होती है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कलेक्टिव लीडरशिप? कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब यहाँ पर ये है कि मोदी साहब को कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा तो वो अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए, तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप।
लेकिन यहां पर इंडिविजुअल लीडरशिप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू कांग्रेस, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। ओके, तो यहां से आप थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के बारे में, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ गए। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहां से हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से हमें बहुत बार सवाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, हमारा संविधान किसने बनाया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो होता है कि हमारा संविधान जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया। अब ये जो आंसर है वो गलत है, टेक्निकली रॉन्ग है। रीजन बताता हूं मैं क्यों। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं उनका संविधान बनाने में रोल बहुत अहम रहा, क्रिटिकल रोल रहा, लेकिन हमारा संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अकेले नहीं बनाया। हमारा संविधान जो बनाया है वो किसने बनाया है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा संविधान बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसको हम संविधान सभा भी बोलते हैं। अब इस संविधान सभा को बनाने की डिमांड सबसे पहले किसने रखी, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा बनाने की डिमांड एम एन रॉय जी ने 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी कि हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो भारत का संविधान जो है वो बनाए। तो ये 1934 में पहली बार जो डिमांड है वो हमारे पास यहां पर सबके सामने रखी गई। अब सवाल ये उठता था कि ब्रिटिशर्स इस चीज को मानने वाले थे, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स इस चीज को मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे उस समय की अगर मैं बात करूं। फिर आपको पता है कि उस समय भारत में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस ने 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी। तो अब यहां पर दो सवाल हो गए, सबसे पहली डिमांड एम एन रॉय ने रखी, एक सवाल कि कांग्रेस ने कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी 1935 में। अब सवाल ये उठता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग संविधान बनाएंगे ऑब्वियसली वो कोई ना कोई हमारे पास स्कॉलर्स होंगे, या तो इंडियन होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। लेकिन यहां पर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी अच्छी चीज कही। उन्होंने क्या कहा कि जो संविधान बनेगा भारत का उसमें कोई भी ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई दखलंदाजी नहीं होगी। यानी कि 1938 में पंडित नेहरू जी ने ये साफ कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि जो भारत का संविधान बनेगा उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर ब्रिटिशर नहीं होगा, कोई भी ब्रिटिशर नहीं होगा, सब इंडियन ही वहां पर होंगे। तो ये चीज 1938 में काफी हद तक क्लियर हो गई। अब सवाल ही उठता है कि ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात कब जाकर मानी, कब जाकर ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ अब हमें हिंदुस्तानियों को उनका संविधान बनाने का हक दे देना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स कभी भी इतने अच्छे थे ही नहीं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि समय बदलता है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना होगा, यहां पर जो हमारे पास मेंशन है वो है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जो है स्टूडेंट्स 1939 में हमारे पास शुरू हो जाती है और 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर टू चलती है। तो कुल अगर हम यहां पर देखें 6 साल तक ये वर्ल्ड वॉर टू चली, और इन 6 सालों में जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ये बोलता था कि सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, वो अपने घुटनों पर आ गया। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश एम्पायर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। हालत इतनी खराब हो गई कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने लिए फूड भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स को खाने तक के लाले पड़ गए। तो 1942 के आते आते ब्रिटिशर्स इस बात को लेकर काफी हद तक क्लियर हो गए थे कि अब वो भारत को ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तो 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स नाम का एक जो मिशन है, क्रिप्स मिशन, वो भारत आता है। ये एक कैबिनेट के मेंबर होते हैं, ये एक प्रपोजल लेकर आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ जी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन ये सब होगा जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे थे, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें इंडियन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें कहीं ना कहीं इंडियन सपोर्ट की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी। तो इंडियन सपोर्ट तब मिलेगा जब इंडियंस को आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलोगे। तो इंडियन सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स हर हाँ में हाँ मिलाने को यहाँ पर तैयार थे। तो इसी के चलते क्रिप्स मिशन भारत आया और उन्होंने भारत को ये
कहीं ना कहीं लालच दिया कि हम आपका संविधान बना देंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है उसकी ज्यादातर बातों को मानने से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। लेकिन आगे चलकर आपको पता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स को ये समझ आ चुका था कि अब उन्हें इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, और 1946 में अल्टीमेटली अनाउंसमेंट हो जाती है कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात की थी। सो क्लाइमेट एटली, ये हमारे पास उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने हमारे पास कहीं ना कहीं ये कंफर्म किया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा, लेबर पार्टी जो थी उसने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात की थी, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की 1946 में। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो अब यहां पर ये भी कंफर्म हो गया कि अब भारत का अपना संविधान बनेगा, और ये संविधान कौन बनाएगा, तो ऑब्वियसली संविधान कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे आज आप सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई, और ये मीटिंग कब हुई, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में, हमारे पास 9 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील है, मतलब ये लोगो आप कह लीजिए, इस सील को जब आप ध्यान से देखते हो तो पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो कई बार पूछा गया है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगो में किस एनिमल को इस्तेमाल किया गया था, तो आपने याद रखना है एलिफेंट। बहुत से लोग टाइगर समझ लेते हैं, लॉयन समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगो में एलिफेंट को इस्तेमाल किया गया था। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मैप में दिखाए गए हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस समय पाकिस्तान जो था वो बनाने का अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ था कि पाकिस्तान भी बनेगा। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा यहां पर, दो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली तो उस समय भारत में एक ट्रेडिशन हुआ करता था, ठीक है, जो काफी सालों से चला आ रहा था, कि हमने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। आज बहुत से भारतीय उस चीज को भूल चुके हैं। तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने का मतलब यहां पर क्या था कि जो सबसे सीनियर पर्सन है उनको चेयरमैन बनाया जाए। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठती है तो टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में उस समय के सबसे वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे पास टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया जाता है। तो आपने याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन उसके बाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट की जरूरत थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन बने, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर देश के पहले प्रेसिडेंट भी बनेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, मतलब कि इस पूरी सभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस पोस्ट पर कौन थे। तो ज्यादातर बच्चे यहां पर मुझे आंसर देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि गलत है, करेक्ट आंसर है बी एन राव। जी हाँ, बी एन राव हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। अब हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो इसमें जो सदस्य थे वो कुछ इस प्रकार से थे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जो बेहद खास है, हाँ जी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो इसमें जो सदस्य थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके टोटल 208 मेंबर्स थे। 208 मेंबर्स किससे थे, हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी उसके टोटल 73 मेंबर्स थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट्स थी राजा रजवाड़े, उनकी टोटल 93 सीट्स थी और बाकी 15 सीट्स अदर से थी। लेकिन अब कांग्रेस जो थी वो तो अखंड भारत चाहती थी,
लेकिन जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। और अल्टीमेटली फिर हमारे पास क्या होता है, आपको याद रखना है कि अगस्त में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो टूट जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनिशियली हमारे पास, आपको मैं बता दूं कि 389 मेंबर्स थे, ओके, लेकिन हमारे पास अगस्त 1947 में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 1947 में हमारे पास कितने मेंबर रह गए, ओनली 299 मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1947 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली लेफ्ट विद 299 मेंबर्स, और इन 299 मेंबर्स ने हमारे देश का जो संविधान है वो बनाया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे पास कब तक काम किया, आपको ये भी पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसबैंड कब हुई, मतलब इसका फाइनली, इसको हमारे पास इसका काम जो है वो कब खत्म हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड कब किया गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो डिसबैंड है वो हमारे पास किया गया 25 जनवरी 1950 को। अब ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड किया गया। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास इसके अगले दिन ही संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ओके। अब इस सब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम कहें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या रोल था, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ही था। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं वो हमारे पास, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि 25 जनवरी को ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसबैंड हुई, 26 जनवरी को संविधान हमारे पास लागू हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्परेरी चेयरमैन, प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के नाम, और 299 मेंबर्स जो थे उन्होंने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबके सामने रखा। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे आपने बचपन में साइंस एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो साइंस एक्सपेरिमेंट करते समय आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबके सामने रखा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया, और जो हमारा प्रीएम्बल है वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और जो भारत का नेशनल फ्लैग है, जो किसने डिजाइन किया, पिंगाली वेंकैया जी ने, याद रखिएगा, हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया, पिंगाली वेंकैया जी ने हमारे पास ये नेशनल फ्लैग, जिनको फ्लैगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ये नेशनल फ्लैग डिजाइन किया, और 22 जुलाई 1947 को भारत ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। डेट याद रखिएगा, बहुत बार डेट पूछ ली जाती है, 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया। और जनगणमन, जी हाँ, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा जनगणमन कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा। और 24 जनवरी 1950 का ये दिन एक और वजह से ऐतिहासिक है, एक तो जनगणमन को अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम के रूप में, और हमारे पास इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। जी हाँ, संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा संविधान पर साइन कब किए गए, 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान में 2395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स है। तो दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। जी हाँ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इस पूरे संविधान को बनाने में लगा, और इसमें खर्चा जो था वो हमारे पास 64 लाख रुपए का है। 64 लाख रुपीज का जो टोटल खर्चा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो
अब आप देखिए कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो 299 मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे वो लोग थे जो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे और जिन्होंने आगे चलकर भारत के एक फ्यूचर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे पास गोपीनाथ बरदोली, मोहम्मद सदुल्ला, पी सुब्रमण्यम, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये सब वो लोग थे, टीटी कृष्णाचार्य, रमेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट रोल बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इन्होंने आगे चलकर हमारे पास अगर हम बात करें देश की आज़ादी के बाद भी अपना जो कार्य है वो जारी रखा। तो इन सब के बारे में आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने इस वीडियो में यहाँ पर अभी तक डिस्कस की हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता चली होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ओके, और इसमें हमारे पास 299 मेंबर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रोल बहुत क्रिटिकल था, जिन्होंने मोर देन 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ताकि भारत के संविधान में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और फाइनली 26 जनवरी का वो दिन जो है ऐतिहासिक दिन था जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ओके, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू 26 जनवरी को करने के पीछे रीजन क्या था कि 26 जनवरी 1930 से, जी हाँ आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं यहां पर। एक्चुअली क्या होता है कि दिसंबर में हमारे पास 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा होता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि अगले महीने, अब दिसंबर में सेशन चल रहा था तो अगला महीना कौन सा हुआ, जनवरी, ईयर कौन सा हो जाएगा 1930, अगले महीने के आखिरी संडे को, तो 26 जनवरी को आखिरी संडे पड़ता था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ओके, लोगों को जागरूक करने के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 26 जनवरी को। जी हाँ, रिपब्लिक डे नहीं कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे कह रहा हूँ। ये डिसाइड किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे पहली बार मनाया गया। हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, लेकिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त को। तो कांग्रेस चाहती थी कि 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस बनी रहे, और यही वो कारण था स्टूडेंट्स कि संविधान हमारा 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया ताकि 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस बनी रहे। और 26 नवंबर को मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर बात की। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड गॉड ब्लेस यू।